हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बचपन में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी हुई एक कविता पढ़ी थी। शीर्षक था, नर हो ना निराश करो मन को। शब्द कुछ ऐसे थे, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। इसी सोच से प्रेरणा लेते हुए और लोगों की लर्निंग में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है इस YouTube चैनल के माध्यम से। लर्निंग के महत्व बहुत सारे उदाहरणों से बताए जा सकते हैं। इलोन मस्क के एक इंटरव्यू को ही ले लीजिए। जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से पूछा जाता है कि उन्होंने रॉकेट बनाना कहाँ से सीखा, तो उनका जवाब था, आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूँ। लर्निंग या सीखना, यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें धरती पर रहने वाले बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है। आवाज़ करना, बोलना सीखना, चलना सीखना, आग जलाना सीखना, खेती करना सीखना, जानवर पालना सीखना, पत्थर या हड्डियों के उपकरण या औजार बनाना, नाव बनाना, पहिया का आविष्कार, पेंटिंग, इन सारे आविष्कार ने हमेशा ही इंसान को विकास को एक नई गति और दिशा दी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी। यह नंबर बनाने के लिए 13 के बाद में 9 जीरो लगाने पड़ते हैं। इसी के अनुसार पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी थी। 44 लाख साल पहले इंसान ने दो पैरों पर चलना सीखा था। 44 लाख के लिए सिर्फ 44 के बाद में 5 जीरो की ज़रूरत होती है। मतलब लगभग इतना समय गुजरा कि हमें नंबर में से 5 जीरो कम करने पड़ते हैं तब हमने चलना सीखा। लेकिन उसके लगभग 10 लाख साल बाद हम बोलना सीख गए। उसके 15 लाख साल बाद हम आग जलाना सीख गए। अगर थोड़ा आसपास के उदाहरणों की बात करें तो 8500 साल पहले हमने खेती करना सीखा। 6000 साल पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण हुआ। मतलब जब हमने आग जलाना सीखा या फिर जब हमने चलना सीखा, उसके बाद में भी हमें नंबर में से 3 जीरो घटाने पड़ते हैं तब हमने एक सभ्यता बनाई। इसी के मुकाबले अगर हम देखें तो लगभग 2400 साल पहले सिकंदर ने ग्रीस से लेके भारत तक एक क्षत्र राज्य स्थापित कर दिया था जो दक्षिण में इजिप्ट तक भी जाता था। और अगर भारत का ही उदाहरण लें तो सम्राट अशोक ने लगभग पूरे भारत पे राज्य कर लिया था। इससे हम देख सकते हैं कि बदलाव की गति थोड़ी तेज होती जा रही है या फिर चेंज बहुत जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। सो लर्निंग के विषय पे ही वीडियो क्यों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, रेट ऑफ चेंज या बदलाव की गति तेज हो गई है। इतना कि जो बदलाव 2-3 पीढ़ियों तक देखने को नहीं मिलते थे, वो बदलाव हमारी पीढ़ी ने अपनी एक जीवन में देख लिए हैं। आजकल बदलाव की गति इतनी तेज हो गई है कि अगर हम सीखना छोड़ दिया तो शायद हम अपनी ही जनरेशन, अपनी ही पीढ़ी से पीछे रह जाएंगे। इसीलिए यह मेरा प्रयास है लर्निंग में दिलचस्पी बढ़ाने का। इसीलिए इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि पहले लर्निंग की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाए और उसके बाद में लर्निंग कैसे की जाए और लर्निंग में दिलचस्पी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाने की प्रयास करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।